फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीकेएल के पांच ऐसे रेडर जिन्होंने सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट्स लिए हैं। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो में बारिश हो रहा है तब बना रहा हूँ, तो शायद इसमें ज़्यादा नॉइस आ जाए, तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी मांगना चाहता हूँ। नंबर पाँच पर है काशी लिंगड के, जो थोड़ा हटके हैं। फ्रेंड, बहुत अच्छे रेडर हैं ये, आपको पता है। इस साल ये बेंगलुरु बुल्स की तरफ से खेलने वाले, पिछले बार युम्बा की तरफ से खेले थे, इतना अच्छा फॉर्म नहीं था, पर फिर भी उससे पहले ही अच्छा पॉइंट्स ले चुके हैं। 72 मैचेस में 494 रेड पॉइंट्स ये ले चुके हैं। और बात करें तो इन्होंने 1026 टोटल रेड्स किए हैं, जिसमें से 373 सक्सेसफुल रेड्स हैं, 234 अनसक्सेसफुल रेड्स हैं और 419 एम्प्टी रेड्स हैं। मतलब इनका रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा है। नंबर चार पर है मिस्टर डिपेंडेबल दीपक निवास हुडा। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में एक ही ऑलराउंडर है और वो है दीपक निवास हुडा, और इतना रेड पॉइंट्स ले लिए हैं किसमें उनका नाम होना ही चाहिए। 81 मैच खेले हैं इन्होंने और रेड पॉइंट्स जो है वो लिए हैं 514। अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल की बात करें तो 1095 टोटल रेड्स की हैं, 423 सक्सेसफुल रेड्स हैं, 202 अनसक्सेसफुल रेड्स हैं और 470 एम्प्टी रेड्स हैं। मतलब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का जो रेशियो है वो डबल है। नंबर तीन पर है दरनामा अजय ठाकुर, जिन्होंने पिछले ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था सीज़न 5 में, और उस साल के परफॉर्मेंस के कारण ये अब लिस्ट में अपना नाम बना चुके हैं। मैचेस इन्होंने खेले हैं 88-0 और रेड पॉइंट लिए हैं 529। सक्सेसफुल ऑन सक्सेसफुल की बात करें तो 1128 टोटल रेड्स किए हैं, जिसमें से 460 सक्सेसफुल रेड्स हैं, 256 अनसक्सेसफुल रेड और 455 एम्प्टी रेड्स हैं। मतलब इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नंबर दो पर है डुबकी किंग एंड पटना का लाल प्रदीप नरवाल जी। दो साल तो इन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट ही लिए हैं सीज़न में, और बात करें कि कितने मैचेस खेले हैं तो मैच बहुत कम खेले इन्होंने, 64, और पॉइंट्स की बात करें रेड पॉइंट्स तो है 625। पूरे रेड्स की बात करें कितने रेड्स किए तो वो है 1074, जिसमें सक्सेसफुल रेड्स है वो है 461 और अनसक्सेसफुल जो है वो है 233 और एम्प्टी रेड्स जो है वो 380 है। मतलब इनका रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा है। नंबर वन पे है द रेड मशीन द पोस्टर बॉय प्रो कबड्डी लीग राहुल चौधरी। हिस्ट्री उठाकर देख ले, पीकेएल की सबसे ज़्यादा पॉइंट इन्होंने ही लिया है। मैचेस खेले हैं 79, रेड पॉइंट्स है 666 और अब हम बात कर लेते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बारे में, तो वो है टोटल रेड्स इन्होंने किया है 1369, सक्सेसफुल है 543, अनसक्सेसफुल है 239 और एम्प्टी रेड है 587। मतलब इनका अनसक्सेसफुल जो है रेड वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत अच्छा रेडर है यार। तो फ्रेंड्स, आप हमें बताइए कि आपको इनमें से सबसे अच्छा रेडर कौन लगता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।